जोशीमठ शहर में तो मकानों में केवल दरारें आई थी, यहां तो मकान भरभरा कर टूट रहे हैं। ये देखिए टूटता हुआ पहला घर, दूसरा घर, फिर धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो रहा है। आपको बता दें कि ये तबाही जोशीमठ शहर में नहीं बल्कि जोशीमठ से करीब 20 किलोमीटर दूर पगनो गांव की है। यहां गांव के ऊपर पिछले साल से ही लैंडस्लाइड हो रहा है और नीचे मकान मलबे में दबते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे अस्तित्व खोता पगनो गांव आपदा की दो ही मार चल रहा है। यहाँ के 35 परिवारों को तो पहले ही पूरी तरह से खतरे की जद में रख दिया गया है, क्योंकि गांव के ऊपर से तेजी से लैंडस्लाइड हो रहा है। मलवा मकानों को अपनी आगोश में ले रहा है और नीचे जमीन भी दरकनी शुरू हो चुकी है। इस गांव में मकानों में दरारें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब वो एक एक कर टूट रहे हैं। जोशीमठ ब्लॉक के इस गांव में सोमवार यानी कल अचानक एक और मकान पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद गांव में डर का माहौल और कई गुना बढ़ गया। हालांकि गांव के लोगों ने पहले ही अपने घरों को खाली कर लिया था, जिसके मद्देनजर मकान टूटने से यहां कोई जनहानि नहीं हुई। अब पूरी तरह आपदा से घिर चुका पगना गांव के लोग दूसरी जगहों में शरण ले रहे हैं। वो अपना टूटता और बर्बाद होता गांव भी देख रहे हैं, लेकिन अब उनके पास अपने गांव को बचाने के लिए कोई जरिया नहीं बचा। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नयन की रिपोर्ट।